तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुमन छेत्री एंड आज ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज। मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज। मैं टाइम पे लॉग इन नहीं हो पाई, इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। राइट, सो आज का जो टॉपिक है वो है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम में से सब, अगर हम बात करें, सिर्फ एक दो नहीं, मैक्सिमम ओके 1 मिनट, मुझे आज लेट शुरू होने के कारण बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। सो मैं एक बार फिर से सभी को शेयर कर दूं सारी लिंक, है ना। अगर आपके कोई हैं जो जो आ रहे हैं, आप उन्हें बता इनवाइट कर सकते हैं। डन, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, ये जो यूटीआई की प्रॉब्लम है ना, ये हम में से अगर हम 100 में से बात करें तो 90% लोग तो इससे सफर करते ही है। 90% लोग हैं जो सफर करते, राइट। सबिंग वेस्टिजियंस, अगर हम हमारी डेली रूटीन की बात करें, अभी अभी लॉकडाउन की वजह से हम सब घर पे हैं, वरना अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम सब आज ट्रेवल कर रहे होते कहीं ना कहीं पर। राइट, तो जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो हम पब्लिक टॉयलेट ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, जिसके कारण हमें यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है। एंड लेडीज को स्पेशली क्यों होता है, ट्रैवलिंग के दौरान हम पानी बहुत कम पीती है, और पानी ना पीना या पानी कम पीना भी एक रीजन होता है यूटीआई होने के लिए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब के पाइप में इन्फेक्शन होना। यूटीआई की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन है एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। हमारे यूरिनरी सिस्टम के कोई भी पार्ट में इन्फेक्शन जब होती है उसको यूटीआई कहा जाता है। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आती है, किडनी में हो गया, यूरेट्रस में होगी, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। राइट, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन है तो हमें यूटीआई है। राइट, मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व लोवा यूरिनरी ट्रैक। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो यूरिनरी ट्रैक जो है वो हमारे निचले भाग में ही होती है, और लेडीज को ज्यादा होने के चांसेस है। क्यों? बिकॉज हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है, बहुत ज्यादा वेजाइनल डिस्चार्जेस होती हैं, हम पेशाब को होल्ड करके रखते हैं लंबे समय तक, है ना। सो ये सारे रीजन है जिसके कारण हमें यूटीआई, स्पेशली लेडीज को ज्यादातर होने के चांसेस होती हैं। अगर हम यूटीआई की बात करें तो पूरे साल 8.1 मिलियन विजिट्स होती है डॉक्टर के पास। आप इमेजिन कर रहे हो, 8.1 मिलियंस लोग। राइट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंफेक्शन है, और इस इंफेक्शन के कारण पूरे साल 8.1 मिलियन विजिट होती है डॉक्टर के वहां पे। और ये ज्यादातर यूटीआई जो है एंटीबायोटिक से ट्रीट कर किया जाता है, लेकिन आपको पता है यूटीआई अगर एक बार हो जाए ना, हमें बार बार होने के चांसेस होती है। सो आप कितना एंटीबायोटिक्स लोगे, आप कितना खाओगे डॉक्टर की मेडिसिन, राइट। उससे तो हमारी इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाएगी। और आपको पता है अगर एक बार यूटीआई हो गया ना, तो मे बी एक बार आपकी यूटीआई क्योर हो सकता है, लेकिन 20% लेडीज में ये पाया गया है यूटीआई फिर से यूटीआई 6 महीने के अंदर में ही होना स्टार्ट हो गई। एंड अमोंग सेक्सुअली एक्टिव वुमेन विद अ हिस्ट्री ऑफ वन और मोर यूटीआई, ऑलमोस्ट 3/4 विल हैव अनदर विद इन अ ईयर। यूटीआई ऐसा नहीं कि सिर्फ
लेडीज को होगा, ठीक है। ये गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि यूटीआई जो है वो सिर्फ लेडीज को ही होता है, जेंट्स को भी इक्वली होती है, लेकिन लेडीज के चांसेस ज्यादा होती है पूरे लाइफ टाइम में, बिकॉज हम आपको पता ही होगा कि हम पेशाब को होल्ड करती हैं, हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है, वजाइनल डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा होती है सेक्सुअली एक्टिव के कारण, राइट। सो ये सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण वुमेन्स में यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है ना। और दूसरा रीजन क्या है, हमारा जो यूरेथ्रा है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रो होने में बहुत जल्दी हो जाता है हमारे ब्लैडर। अगर हम ब्लैडर और यूरेथ्रा की बात करें तो उसके डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो फटाफट से ब्लैडर तक इंफेक्शन पहुंच जाता है। यूटीआई जो अगर आप देखोगे, फ्रीक्वेंट क्लिनिकल बैक्टीरियल इंफेक्शन इन वोमेन है, जहां पे 25% लेडीज को तो यूटीआई होता ही होता है। अगर हम यूटीआई को अनट्रीटेड छोड़ दे, यानी कि अगर हम एक खुजली को है ना अपने प्राइवेट पार्ट में, अगर एक इचिंग को अगर हम इग्नोर कर देंगे ना, तो वो इचिंग हम बाद में जाके एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हमारे किडनी तक को भी हार्म कर सकती है। तो इसीलिए कभी भी पेशाब में होने वाले इंफेक्शंस को नजरअंदाज मत कीजिएगा, ये बाद में जाके हमारे यूरिनरी सिस्टम को ही खराब करना शुरू कर देंगी। सिम्टम्स क्या है यूटीआई के, सबसे पहले तो एकदम बर्निंग सेंसेशन होगा, और जब भी आप पेशाब करने के लिए बैठोगे, यूरिन करने के लिए बैठोगे, आपको निडल की जैसी चुभने लगेंगी। हमारा जो पेशाब होता है वो बार बार आएंगी हमें, बार बार। अभी आपने पेशाब, अभी आपने यूरिन की, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, फिर से दोबारा यूरिन जाने की प्रॉब्लम होगा। और जब आपको यूरिन लगेगा ना, आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे, आपको लगी तो तुरंत आपको जाना पड़ेगा। एंड समटाइम्स ब्लड में, यूरिन में से ब्लड निकलता है, और हमारा जो यूरिन का कलर है वो मिल्की और क्लाउडी हो जाती है, एक बहुत ही गंदा स्मेल आता है। आपने देखा होगा बहुत बार, महसूस स्मेल भी किया होगा अपनी यूरिन को, जब भी हम यूरिन करते हैं तो बहुत बार एक गंदा सा स्ट्रॉन्ग ऑडर आता है, राइट। उसका मतलब क्या है, उस वक्त आपके बॉडी में इंफेक्शन आ चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दे। पेल्विक में पेन होता है लेडीज में, और मेन में रेक्टल पेन होना शुरू हो जाती है। जब आप पेशाब करने के लिए बैठोगे तो आपको जलन महसूस होगा, सप्रेप्यूबिक पेन शुरू हो जाएंगी। पीपल विद डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर को भी बहुत ज्यादा बार बार होती रहती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, अगर ये सिम्टम्स आपको आ गई, दैट मींस आपको यूटीआई होना शुरू हो चुका है। सो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सप्लीमेंट्स लेना शुरू करनी है। हाउ टू प्रिवेंट, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें यूटीआई, तो बहुत ही इजी है, हमें ज्यादा कष्ट नहीं करना है। अगर हम, जब भी आप बाथरूम जाओगे, इतना याद रखिएगा कि आप, हमें अच्छे से वॉश करना है, राइट। अगर आप इंटीमेट हो रहे हो, होने के बाद, होने से पहले अपने जेनिटल एरियाज को वॉश कीजिए, और इंटीमेट होने के बाद यूरिन करने के लिए चले जाइए। अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखिएगा, अपने यूरिन को होल्ड मत कीजिए, सबसे ज्यादा पानी पीजिए, शावर्स लीजिएगा। अगर आप बात मतलब मग से पानी लेने से भी अच्छा आप शावर से लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट्स होगा। और जब भी आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे हो, ठीक है, मैं सप्लीमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मेडिसिन की बात कर रही हूँ, तो डॉक्टर से पूछने के बाद ही मेडिसिन यूज कीजिए, ठीक है। डाइटरी मैनेजमेंट की, खाना पीना हमें कैसे करना है, डूज में आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा पानी पियेंगे, शुगर फ्री क्रैनबेरी जूस, हमारे पास तो ऑलरेडी क्रैनबेरी की सप्लीमेंट है, लेकिन अगर आप कभी बाहर चले गए और अगर आपको जूस पीने का मन कर रहा है, तो आप क्या करोगे, क्रैनबेरी की जूस पिएंगे, शक्कर नहीं डाल के, आपको शक्कर नहीं डालना है, ठीक है, बिना शक्कर के आप डालोगे। ब्लूबेरीज लीजिए, ओके, ब्लूबेरीज, अगर हम ब्लूबेरीज की बात करें तो ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट कौन से सप्लीमेंट में है, आप मुझे बताइए, ब्लूबेरीज एक्सट्रैक्ट कौन से सप्लीमेंट में है, आपको याद होगा हमने बहुत बार ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, आप मुझे बताइए ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट कौन सी सप्लीमेंट में है। मुझे
क्रैनबेरी में तो आरती मैम क्रैनबेरी है। अनिमेश दास वेरी गुड, आई सपोर्ट। अनिमेश सर ने बिल्कुल सही कहा, आदित्य सर ने बिल्कुल सही कहा, आई सपोर्ट। मैरी गोल्ड एंड बिलबेरी है ना, ब्लूबेरी हमारे, बिलबेरी भी है, ब्लूबेरी भी है, राइट। एक्सट्रैक्ट है बटर मिल्क। देखिए बटर मिल्क में फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, योगर्ट में है ना, उसके बाद दही में क्या होता है, प्रोबायोटिक, राइट। अब प्रोबायोटिक हमारे कौन से सप्लीमेंट में है, प्रियन प्रोबायोटिक कौन से सप्लीमेंट में है, प्रियन प्रोबायोटिक कौन से सप्लीमेंट में है, आप मुझे कह सकते हैं। कम्बायोटिक्स, सुनील भाई तिवारी का सही जवाब, सबने सही जवाब दिया, कम्बायोटिक्स है ना। अगर हम बटर मिल्क की बात करें तो बटर मिल्क भी आपके ठंडा रखने में मदद करता है ना, इसमें एंटीबायोटिक है, इसमें प्रियन प्रोबायोटिक है, इसलिए हम इसको लेते हैं। तो अगर आपको अपने शरीर को ठंडा रखना है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, तो हम कौन सा सप्लीमेंट लेंगे, हमारे बॉडी को कौन सा सप्लीमेंट ठंडा रखता है। हमने बहुत बार आंवला, यस आंवला, आप अगर बटर मिल्क ले रहे हो तो, अगर बटर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आंवला एंड एलोवेरा आप ले सकते हैं, राइट। गार्लिक, अदुआ को थीचिया लाल चाय के साथ पी सकते हैं। अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी हमारे वेस्लिम टी में भी अवेलेबल है। कोकोनट वाटर, ठीक है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो हम कोकोनट वाटर पी सकते हैं, राइट। लेकिन घर के अंदर अभी के सिनारियों में तो हमें कोकोनट वाटर अवेलेबल नहीं है, तो हम कोकोनट कैप्सूल्स ले सकते हैं, राइट। तो जितने सारे हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये सब हमारे पास एज अ सप्लीमेंट अवेलेबल है। और आपको क्या चीज नहीं लेना है उस पे ध्यान आपको दीजिएगा, क्या चीज नहीं लेनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा कॉफी या कैफीन होने वाले चीजें से अवॉइड करनी है, एसिडिक फॉर्म होने वाले या इन्फेक्शन बढ़ाने वाले चीजों से आपको क्या करनी है, अवॉइड, है ना। एसिडिक फ्रूट्स आपको अवॉइड, अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एसिडिक फूड्स को आप अवॉइड करो, फ्रूट्स को, ठीक है। स्पाइसी फूड्स को अवॉइड कीजिए, एक्सेसिव शुगर, अगर आपको लगता है कि आपको यूटीआई हो रही है उसमें, उस तो आप क्या करोगे, नॉर्मल शुगर को अवॉइड करके स्टीविया लेना शुरू कर दे, ठीक है। नॉर्मल शुगर को अवॉइड करके, यानी कि ध्यान रखिए, जब भी आप किसी को यूटीआई के लिए सप्लीमेंट दे रहे हैं, उन्हें स्टीविया जरूर रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सेसिव शुगर को अवॉइड करना है, राइट। सो क्यों ना हम पूरी तरीके से शुगर को, नॉर्मल शुगर को अवॉइड करके हम स्टीविया को इस्तेमाल करना शुरू कर दे, है ना, या फिर आप सजेस्ट करना। फूड स्वीट पोटैटो, फिर हमारे पास हल्दी भी है, दालचीनी है ना, हरी साग सब्जियां, डार्क चॉकलेट, टोमेटो आप लेना शुरू करो, बेरीज आपको लेनी है, ब्लूबेरीज आपको लेनी है, राइट। क्रैनबेरी भी हमारे पास है, ब्लूबेरी भी हमारे पास है, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस है ना, फिर आपकी धनिया पुदीना ये सब लेना है, ऑरेंज लेना है आपको, साइट्रस फ्रूट, फिर ब्रोकली, ये सब चीज आप खा सकते हो, दही दूध लस्सी बटर मिल्क, ये सब आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी है। आपको पता है वाटर हमें फ्रिक्वेंटली पीना है, अगर हम कोई कोई जैसे खाना है ना उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें विद एडवांटेजेस, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और ऑफन यूरिन करते रहना है। अगर आपको दर्द हो रहा है तब भी आप क्या करोगे, यूरिन जाते रहोगे, उससे क्या होगा, जो बॉडी से बाहर होगी। लेकिन अगर आप पानी नहीं पी रहे हो ना, तो बैक्टीरिया तो बाहर ही नहीं जाएगा, बिकॉज पेशाब नहीं होगी, या मुझे दर्द हो रहा है मैं पेशाब नहीं करूंगा सोचते तब भी हमें दर्द होगा, यानी कि बैक्टीरिया ग्रोथ होती रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीनी है, और बार बार अगर पेशाब लगे तो बार बार जाना है। अगर आपके लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो आप हॉट कंप्रेस कर सकते हो। फिर एप्पल साइडर विनेगर जो है, ये भी एक नेचुरल एंटीबायोटिक एंड डायुरेटिक का काम करता है, तो आप क्या कर सकते हो, वो भी ले सकते हैं। क्रैनबेरी ऑब्वियसली बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। ब्लूबेरीज भी लाइक क्रैनबेरी है, प्लस इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ब्लूबेरीज में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे यूटीआई की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करता है। आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हो पेन को रिलीव करने के लिए, बेकिंग चुटकी पर बेकिंग सोडा गुनगुने, हल्के गुनगुने पानी में ऐड करके पीजिए, ये हमारे क्या है, पीएच, यूरिन की पीएच को न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा। और सोडा जो है
हमारे घर में अवेलेबल है ही। मार्शमेलो रूट टी आप ले सकते हो, टी ट्री ऑयल आप ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, बियर बेरी हमें लेना है और बार्ले वाटर, ठीक है, बार्ले वाटर भी बहुत ही अच्छा है। ये सारे हो गए घरेलू नुस्खे, राइट, किचन के नुस्खे आप कह सकते हो जो हमारे किचन में अवेलेबल है। लेकिन उसके साथ साथ याद रखिए हमें सप्लीमेंट्स भी मेजर रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। वो सबसे पहला जैसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट जो है वो क्रैनबेरी, और हमारा वेस्टीज का जो क्रैनबेरी है ना वो अकेले काम नहीं करता, क्रैनबेरी के साथ काम करती है हमारा वेस्टीज का जीमेनोस, ठीक है। क्रैनबेरी क्या एक पावरफुल कॉम्बिनेशन से बना है जो आपके क्रैनबेरी एंड जीमेनोस से बना हुआ है। ओके, सो ये क्रैनबेरी क्या करती है, ये जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में मदद करता है। जीमेनोस क्या करती है, जीमेनोस हमारे बॉडी में जो बार बार इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने में मदद करती है, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रैनबेरी एंड जीमेनोस, याद रखिए। अगर आप किसी को वेस्टीज की क्रैनबेरी समझा रहे हैं तो हमेशा याद रखिए वेस्टीज क्रैनबेरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, एक क्रैनबेरी है और एक जीमेनोस। कोई अगर पूछे कि ये जीमेनोस क्या है, सो देखिए जीमेनोस ना, जब आप कोई फल खाते हो, ऐसे कि एप्पल आपने खाया, अंगूर आपने खाया, तो वो फल से हमें एक मिठास मिलती है कि नहीं, काइंड ऑफ शुगर, है ना, तो वो होता है जीमेनोस। वो मिठास जो हमें मिल रही है वो जीमेनोस के वजह से मिल रहा है, और जीमेनोस इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। और सबसे अच्छे काम क्या करती है हमारे बॉडी में, बार बार जो यूटीआई होता है उस यूटीआई को होने से रोकती है। दूसरे बेनिफिट्स क्या है क्रैनबेरी के, हमारे इतने याद रखिए, क्रैनबेरी में डीमेनोस के साथ साथ एक और चीज है, प्रोएंथोसियानिडिन्स, राइट। सो डीमेनोस एंड प्रोएंथोसियानिडिन्स इन क्रैनबेरी क्या करती है, हमारे पेशाब के पाइप को यानी कि यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी मेंटेन रखने में मदद करती है। क्रैनबेरी थोड़ा सा खट्टा भी होता है, तो इसमें क्या है, साइट्रिक एसिड जो हमारे ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस को अच्छा रखने में मदद करती है। अब जीमेनोस क्या करती है, देखिए जब एक बार हमारे पेशाब के पाइप में इंफेक्शन हो गया ना तो बार बार होने के चांसेस होती है, राइट। सो अगर आप कॉन्टिन्यूअसली 6 महीना 1 साल तक क्रैनबेरी ले रहे हो ना, तो इसमें जो डीमेनोस है ये जीमेनोस पेशाब के पाइप में से बैक्टीरिया को निकाल के फेंकने में मदद करता है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने में मदद करती है, ठीक है। ये है डीमेनोस का काम। डीमेनोस एक और बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और वो क्या है, प्रीबायोटिक, राइट। जो हमने कंबायोटिक्स में पढ़ा था कि प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का खाना होता है ना। सो जब आप डीमेनोस ले रहे हो यानी कि जब आप क्रैनबेरी ले रहे हो तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे बैक्टीरिया भी दे रहे हैं टू कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, राइट। इधर हमारे पेशाब में होने वाले इंफेक्शन को के भी लड़ रही है, और दूसरा हेल्प क्या कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रख रही है ना। एंड आपको पता है ये हमारे वाटर रिटेंशन को भी कम करने में मदद करती है, और उसके साथ साथ इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में वाइटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट है, राइट, जो हमारे हेयर स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो अगर आप कोई लेडीज को क्रैनबेरी दे रहे हो, कोई जेंट्स को, कोई लड़के को, कोई जेंट्स को अगर आप क्रैनबेरी दे रहे हो, तो आप उनके पेशाब के यानी कि यूरिनरी ट्रैक के साथ साथ उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका हेयर, उनका नेल्स और उनका स्किन को भी हेल्दी रख रहे हैं ना। सो डोसेजेस, दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स। अगर किसी को बहुत ज्यादा इचिंग का है या कोई बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है, जैसे कि मैं, आप, हम सब, है ना, एक बार जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, नॉर्मल सा हो जाएगा, तो हम जब बैक टू लाइफ होंगे ना, हमारा लाइफ जब नॉर्मल हो जाएगा, तो आप देखो हमारे पास बैठ के बात करने का तक भी समय नहीं होगा, राइट। बिकॉज हमें, अगर हमें 9 बजे से लेके 11 बजे तक होम मीटिंग पे होंगे, तो 2 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक हमारी CNT चलेगी, फिर शाम के 5 बजे से लेके 7 बजे तक दूसरी होम मीटिंग, है ना। तो आप इमेजिन करो हम कितना ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम कितना पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं, राइट। सो बहुत ज्यादा अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको दिन में 4 कैप्सूल्स लेनी है वेस्टीज के, क्रैनबेरी
क्रैनबेरी, ठीक है। अगर आप ज्यादा ट्रेवल नहीं करते घर, और आपको यूटीआई की भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आप ऑफिसेस जाते हो, है ना, आप एक वर्किंग लेडी हो, या आप घर में भी अगर आप रहते हो, है ना, तो हमें यू स्पेशली लेडीज को अगर हम बात करें तो पीरियड्स वगैरह की तो प्रॉब्लम हमें होती ही है, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, 2 कैप्सूल्स, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, आप क्या करोगे, 4 कैप्सूल्स तक दिन में आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिवेंशन के लिए लेना चाहते हो, या आपको लगता है कि मैंने तो ट्रैवलिंग शुरू कर दी है, आपने फील किया होगा कभी कभी जब आप ट्रैवल करके आते हो या होम मीटिंग करके आते हो, सीवियर इचिंग सा होता है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में हमें सीवियर सी इचिंग होती है, राइट, है ना, आप मुझे चैट बॉक्स पे कह सकते हैं। जब भी हम ट्रैवलिंग करके आते हैं, होम मीटिंग करके आते हैं, या कोई मीटिंग करके आते हैं, जब घर आते हैं, हमें अजीब से घर में हमारे प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग सा शुरू हो जाता है, राइट। तो क्या हुआ, आपको हल्की सी बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो गई है, तो आप उस बैक्टीरिया ग्रोथ को ज्यादा बढ़ने ना दे अपने शरीर में, उसी वक्त से आप स्टीच क्रैनबेरी लेना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ज्यादा घर बना ना के हमारे पेशाब के पाइप में ना रह सके, है ना। तो किसको लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट किसको लेना है, जो पब्लिक टॉयलेट यूज करती है उन्हें लेना है, जिसको यूटीआई हो रहा है वो ले सकते हैं, जिसको हो चुका है उन्हें लेना है। अगर आपको यूटीआई अपने शरीर से दूर करना है, यानी कि प्रिवेंशन के लिए आपको प्रोडक्ट लेनी है, जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है उन्हें लेनी है, जिसके बच्चे स्कूल कॉलेज हॉस्टल्स में रहते हैं उन्हें लेना है, ल्यूकोरिया यानी कि जिसको व्हाइट डिस्चार्ज, लिख लीजिए, व्हाइट डिस्चार्ज के लिए हम क्रैनबेरी जरूर देंगे। पेशाब में इंफेक्शन होने के साथ साथ आप व्हाइट डिस्चार्ज में भी इसको लेंगे, ठीक है। एंड पीपल विथ लेस वाटर इनटेक, पीपल विथ लेस वाटर इनटेक, जो लोग कम पानी पीते हैं उन्हें भी क्रैनबेरी लेना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गई सबसे मेन प्रोडक्ट फॉर यूटीआई। एंड आप ये सप्लीमेंट्स लिख लीजिए, ये सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स है, नीम, किडनी हेल्थ, कर्क्यूमिन प्लस, कंबायोटिक, शतावरी मैक्स, आपने ये 5 लिख लिए। मैं और 2-3 सप्लीमेंट्स आपको बताऊंगी, पहले ये सप्लीमेंट्स क्रैनबेरी के साथ इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया, अगर आपने लिख लिए हो सप्लीमेंट्स तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस कह दीजिए, मैं लिख लूंगी। यस, आप सबने लिख लिए, लिख लिए, यस यस यस, मैं अभी भी समय दे रही हूँ, है ना। ओके, मैं एज लिमिट भी आपको बताती हूँ, क्रैनबेरी की एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, ठीक है, क्रैनबेरी की एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, आप किसी को भी दे सकते हो। तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सप्लीमेंट लिखने के बाद आप एक और सप्लीमेंट ऐड कीजिए, फ्लैक्स, आप एक और सप्लीमेंट ऐड कीजिए, फ्लैक्स हो गई, फ्लैक्स हो गई, नीम, किडनी हेल्थ, कर्क्यूमिन प्लस, कंबायोटिक, शतावरी मैक्स के बाद आप लिख लीजिए फ्लैक्स, डन, फ्लैक्स लिख लिया आपने, है ना, फ्लैक्स लिख लिया। क्रैनबेरी खाने के साथ, क्रैनबेरी की एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, खाने के साथ, जैसे जब हम भात दाल सब्जी खा रहे होंगे उसी वक्त आपको लेनी है क्रैनबेरी भी, ठीक है, खाने के साथ। ओके, तो ये 5 के बाद फ्लैक्स लिख लीजिए, फ्लैक्स के बाद आप लिखिए गैनोडर्मा, ये 2 सप्लीमेंट्स भी ऐड कीजिए, फ्लैक्स एंड गैनोडर्मा, फ्लैक्स एंड गैनोडर्मा ऐड कर लीजिए, कर लिया, फ्लैक्स
फ्लैक्स एंड गैरेंडर मा, तो सात सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स। सो अगर आप किसी को व्हाइट डिस्चार्ज, देखिए अगर आप किसी को व्हाइट डिस्चार्ज के लिए दे रहे हैं तो प्लीज आप काइंडली नोट डाउन कर लीजिए व्हाइट डिस्चार्ज के लिए, मैं मैसेज भी करूंगी और आप भी लिख लीजिए व्हाइट व्हाइट डिस्चार्ज के लिए क्रैनबेरी लिख लीजिए, क्रैनबेरी राइट, शतावरी ये व्हाइट डिस्चार्ज के लिए है ठीक है, फ्लैक्स जैनोडर्मा नीम, ये है आपका व्हाइट डिस्चार्ज जिसको हम निकोलिया भी कहते हैं राइट, ये है व्हाइट डिस्चार्ज के लिए, मैंने आप सबको सेंड कर दिया है, प्लीज काइंडली कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि, बिकॉज ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है ना टीनेज लेडीज टीनेज लड़कों से लेके बुजुर्ग में भी बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली टीनेजर्स को बहुत ज्यादा होती है। तो ये व्हाइट डिस्चार्ज के जो सप्लीमेंट्स मैंने अभी अभी आप सबके साथ शेयर किए हैं काइंडली कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अपने टीम मेंबर तक भी आप पहुंचा सकते हैं ना व्हाइट डिस्चार्ज के लिए ठीक है। और ये जो हमने 7-8 प्रोडक्ट डिस्कस किए हैं वो सारे आपके यूटीआई के लिए है। यस बॉय को भी देना है बट अगर लड़के को है तो शतावरी को आप मत दीजिएगा ठीक है, अगर वो लेडीज हैं तो शतावरी भी ऐड करेंगे, अगर वो लड़के हैं तो शतावरी को हटा देंगे। यस फ्लैक्स मीन्स फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स मतलब फ्लैक्स ऑयल। अगर आपके कोई भी सवाल है रिलेटेड टू यूटीआई तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बिकॉज हम एवरीडे जो ट्रेनिंग करती हैं वो कैटेगरी वाइज होता है राइट। सो आज की कैटेगरी है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में होने वाले इन्फेक्शन, तो आप उनमें मुझे इससे रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। हाँ सौकत घोष जी पूछिए, अगर वो यूटीआई से संबंधित है जरूर पूछिए मैम फंगल इन्फेक्शन के लिए। यस जानवी मैम फंगल इन्फेक्शन के लिए भी आप ये सारे सप्लीमेंट्स दीजिए और उसके साथ साथ आप इम्यूनिटी से भी दे सकती हो, स्पाइरोलिना नोनी भी आप दे सकती हैं ठीक है। मैम क्या लीवर का भी प्रॉब्लम में कुछ परहेज भी करना है? देखिए लीवर की प्रॉब्लम में तो हम रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ही हम करेंगे। गोलू कुमार सर ल्यूकोरिया, मैंने ऑलरेडी ल्यूकोरिया के, देखिए अगर एक पर्सन को लीवर का प्रॉब्लम भी है और ल्यूकोरिया भी है तो आप ल्यूकोरिया के जो मैंने अभी सप्लीमेंट्स दिए उसके साथ साथ लीवर हेल्थ कर्क्यूमिन भी आप ऐड करो। यूरिन ज्यादा होता है मैम तो आप किडनी हेल्थ और प्रोकार्ड ऐड कर सकते हैं क्रैनबेरी के साथ। कौन सी बीपी टैबलेट, हाई बीपी लो बीपी, अगर वो लो बीपी है तो आप प्रोकार्ड ऐड कीजिए। नो इफ सी इफ अगेन अगेन जैसे कि इसलिए हम कहते हैं कि जब आप किसी को लो प्रेशर है तो फ्लैक्स को अवॉइड करके आप गैनोडर्मा या क्रील ऐड कर सकते हैं। यूरिन में जलन सर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया वही सारे सप्लीमेंट्स। यूटीआई प्रॉब्लम में शी हैव बीपी आप नीम दे सकते हैं लेकिन आपको फ्लैक्स नहीं देना है। यूटीआई प्रॉब्लम के साथ अगर लो बीपी है तो हम फ्लैक्स के जगह पे क्रील या गैनोडर्मा ऐड कर सकते हो, क्रील फ्लैक्स को अवॉइड करना है। यस व्हाइट डिस्चार्ज में इंटीमेट वॉश भी हमें यूज करनी है। तो ये रहे दूसरे प्रोडक्ट्स, सबसे पहले हमारा पेंटी लाइनर, अगर किसी को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो पेंटी लाइनर इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। सैनिटरी नैपकिन With FRI technology and anion graphite anion chip, जो bacterial growth को कम करेंगी, and intimate dew garden forming intimate wash, जो ये wash आपको सुबह शाम दो time लगानी है, और हमारे जो हम जो बाहर से जब अंदर घर में आते हैं और जो unwanted bacterias हमारे intimate areas में हो आती हैं उसको साफ करने में मदद करता है। यूटीआई प्रॉब्लम में सारे सप्लीमेंट दे सकते हैं, देखिए मैम सारे सप्लीमेंट्स कोई भी नहीं लेंगे, यूटीआई में सबसे पहले क्रैनबेरी तो मस्ट ही होगा, क्रैनबेरी तो आप डालेंगे ही डालेंगे, फिर आप नीम दे सकते हो, शतावरी, फ्लैक्स, ये चार सप्लीमेंट्स आप दे सकते हैं कंबाइन करके। अभी जो हमने 8 सप्लीमेंट्स डिस्कस किए हैं उसमें से क्रैनबेरी यूटीआई में कंपल्सरी रहेगा, उसके बाद आप उनको वहां पे कंबाइन करके देंगे। देखिए कौन सी बीपी चल रही, बीपी टैबलेट चल रही है, हाई बीपी लो बीपी कौन सा,
देखिए, जब तक आप मुझे बीपी कह रहे हैं तो अब बीपी कह रहे हैं तो मैं तो फ्लैक्स भी आपको दे दूंगी, राइट? अब फ्लैक्स में प्रॉब्लम क्या, हम लो प्रेशर को नहीं दे सकते। जब तक आप मुझे प्रॉपर क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगी, है ना? एज कैटेगरीज क्या है? क्रैनबेरी की एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। हाई बीपी में फ्लैक्स आप दो, LRG9 दे सकते हैं, प्रोकार्ड दे सकते हैं। हाई बीपी है तो फ्लैक्स, LRG9, प्रोकार्ड आप दे सकते हो। किडनी हेल्थ दीजिए आनंद सर, अगर वॉशरूम में अटक अटक के आ रहा है, यूटीआई में भी होती है, तो आप किडनी हेल्थ के साथ क्रैनबेरी दे सकते हैं। शौकत घोष, काइंडली आप मुझे आप मेल कर दीजिए, ठीक है? बिकॉज आपका जो सवाल है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अगर आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट्स है तो वो भी मुझे अटैच करके मेल कर दीजिए। मैं आप सबको मेरी मेल आईडी दे रही हूँ, SUMAN सुमन डॉट CHETTRI, सुमन डॉट छेत्री एट द रेट माई मेस्टीच डॉट कॉम, ये मेरी मेल आईडी है, प्लीज दीजिए, मेल कर दीजिएगा। विजय दास जी, ब्लीडिंग के लिए क्या दे? कौन सा ब्लीडिंग? सदश्रव, समझ में नहीं आया आपकी क्वेश्चन, कौन सी ब्लीडिंग सर? बेस्टीज बिजनेस सर, ये पैरालिसिस की पेशेंट है, तो आप मुझे कह दे कि पैरालिसिस विद हाई ब्लड प्रेशर, फ्लैक्स है, क्रिल है, मेटामाइंड, स्पाइरोलिना, सिबकथॉर्न, ठीक है? अगर वो पैरालिसिस है तो क्रिल एंड मेटामाइन तो हम रखेंगे ही रखेंगे, राइट? क्रिल एंड मेटामाइन आप लिख लीजिए, क्रिल एंड मेटामाइन रहेगा। आप एनर्जी के लिए सिबकथॉर्न, स्पाइरुलिना, ठीक है? ये चार एनर्जी आप, एंड वन मोर प्रोटीन पाउडर, ये पांच कॉम्बिनेशन रहेंगे, मेटामाइन एंड क्रिल, है ना? ये दो हमारे ब्रेन के लिए, उसके बाद सिबकथॉर्न एंड स्पाइरुलिना फॉर एनर्जी, नर्व्स के लिए चार हो गए हमारे, और ज्यादा एनर्जी के लिए प्रोटीन पाउडर। यस, नीम कैन बी यूज्ड। यूटीआई जिनको है क्या प्रोटीन पाउडर इनटेक? यस, यूटीआई जिनको है वो प्रोटीन पाउडर बिल्कुल ले सकते हैं। पेशेंट विद इरेगुलर पीरियड्स सर, ये हम दूसरी सेशन में डिस्कस करेंगे, जब हम वुमेन्स हेल्थ की कैटेगरी करेंगे तब विल डिस्कस अबाउट दिस आल्सो, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। ऑब्वियसली अपने दिन का 40 मिनट्स देना भी बहुत बड़ी बात होती है, एंड आप सब हमेशा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं विद एवरी डे विद हाई एनर्जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट?
शमीम अख्तर सर, काइंडली आप मुझे मेल कर दीजिए कोई, बिकॉज जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, मैं सिर्फ और सिर्फ मेल्स में लेती हूँ। इफ एनीवन इज डायबिटिक, ग्लूकोसामाइन को छोड़ के कोई भी सप्लीमेंट्स वो ले सकते हैं। सो थैंक, किडनी से रिलेटेड को क्रैनबेरी देंगे। देखिए किडनी के, रीता देवी जी, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। जब तक आप मुझे किडनी के प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं बताओगे, मैं कैसे सप्लीमेंट बताऊंगी? आप किडनी के, किडनी स्टोन, किडनी न्यूरोपैथी, किडनी नेफ्रोपैथी, किडनी में ये डायलाइसिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, बहुत कुछ होता है, राइट? सो सिर्फ किडनी से रिलेटेड अगर आप लोग कहेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको प्रॉपर किडनी में क्या प्रॉब्लम है वो मुझे मेल कीजिए विद डॉक्टर अटैच रिपोर्ट्स, एंड देन आई विल श्योरली सजेस्ट अ सप्लीमेंट। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है मुझे, लो बीपी भी। अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो फ्लैक्स मत दीजिए, और जितने सारे हमने सप्लीमेंट्स अभी डिस्कस की है वो ले लीजिए सिवाय फ्लैक्स के। फ्लैक्स मत लीजिए, अगर आपकी बीपी लो है तो फ्लैक्स मत दीजिए। आपके घर में अगर कोई 12 साल से उम्र, 12 साल से ऊपर की कोई बच्चियां हैं, या कोई आपके घर में फीमेल है जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, आप उन्हें दे सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फॉर किडनी स्टोन, किडनी हेल्थ एंड फूड पैच, फॉर किडनी स्टोन, किडनी हेल्थ एंड फूड पैच। व्हाइट डिस्चार्ज सिम्टम्स सर, पेट में हमारे इंटीमेट एरिया के थोड़े से ऊपर में पेट में दर्द होता है, जलन होती है, गंदा स्मेल आता है पेशाब से, बार बार यूरिनेशन होता है, इस ये सारे सिम्टम्स हैं सर। मैं फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे कोई भी सप्लीमेंट के बारे में नहीं बताती, डिस्कशन नहीं करती। कोई भी सवाल है वो डायरेक्टली मेल के थ्रू ही होगा, एंड आई एम वेरी एक्टिव इन मेल्स रेदर देन फोन कॉल्स, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। थैंक्स मैम, आई नीड सप्लीमेंट ट्रेनिंग। विजय दास, ऑब्वियसली हम एवरी डे 11 बजे हमेशा सप्लीमेंट की ट्रेनिंग करते हैं। आज जो आपको लिंक मिला है आज की ट्रेनिंग की, आप उस मैसेज को ध्यान से पढ़िए। वहां पे मेरी यूट्यूब चैनल, वहां पे मेरी टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है। उस टेलीग्राम चैनल में आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करोगे तो उस लिंक को क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, एंड देन आप को डेली सप्लीमेंट की ट्रेनिंग मिलती रहेगी, ठीक है? आप आराम से चेक करो, आराम से चेक करो, वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। क्या कलर सर, सोकत सर, कौन सी कलर, क्या कलर? अगर आपको सर ट्रेनिंग की लिंक नहीं मिल रही है तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको मेरी टेलीग्राम आईडी शेयर कर दूंगी, आप वहां पे ज्वाइन होके आपको मिल जाएगा, ठीक है? आप बस आज की मैसेज चेक करो, आज जो आपको इस ट्रेनिंग का लिंक मिला है ना, वहां चेक कीजिए, नीचे आपको वहां पे मिल जाएगा। सोकत सर, व्हाइट डिस्चार्ज देखिए पिंक कलर होता है, क्लाउडी होती है, येल्लो होता है बहुत सारे केसेस में, ठीक है? व्हाइट डिस्चार्ज की कलर तो व्हाइट एंड येल्लो कलर का ही होता है सर। व्हाइट डिस्चार्ज का कलर व्हाइट एंड येल्लो होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हम अब कल 11 बजे फिर से मिलेंगे। मैं अभी आप सबको इसकी मीटिंग लिंक शेयर कर दूंगी, एंड बहुत दिनों से हमने डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन नहीं किया है, राइट? सो हम कल बात करेंगे अबाउट डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे आपकी। तो जैसे लिंक मिलता है काइंडली आप अपने पूरे टीम मेंबर को दीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे होम।